नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली की आवाज़। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पत्नी प्रेमी के संग हुई फरार, दिल्ली से घर आए पति ने आग लगाकर दे दी अपनी जान। कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एजेंसी ने दूसरे के नाम पर दर्ज हुई बाइक को नए रेट में किसी और ग्राहक को बेच दी। शोरूम प्रबंधन के खिलाफ थाने में तहरीर दर्ज करा दी गई। रामगंगा का जलस्तर रुक ही नहीं रहा है, बाढ़ का हो रहा है खतरा। आबादी की ओर बढ़ रही है अब रामगंगा, टहनियों से रोक रहे हैं धार, कटान का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। महिला की मौत पर लगाया तेजाब पिलाने का आरोप। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के गांव मठ लक्ष्मीपुर में संगीन परिस्थितियों में तेजाब पीने से एक महिला की हालत बिगड़ गई, उसकी अस्पताल में ही मौत हो गई। बरेली में विधायक के गनन की दबंगई की वीडियो सामने आने के बाद गनन को किया गया सस्पेंड। निजी अस्पताल की लापरवाही, महिला ने डीएम से की कार्रवाई की मांग। 2.5 लाख रुपए की खातिर महिला को मार पीट कर घर से निकाला, महिला ने की ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। गौ पालक ने लगाया पशु क्रूरता का आरोप, कार्रवाई की मांग। आम आदमी पार्टी ने ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर किया प्रदर्शन। गैर मान्यता प्राप्त सीबीएसई स्कूलों को बंद करने की मांग की गई, जांच अधिकारी कर रहे हैं स्कूल प्रबंधन को सहयोग।